मैं डॉक्टर अनूप पटेल, फाउंडर ओम फिजियोथेरेपी क्लिनिक एंड फिटनेस सेंटर नवरंगपुरा अहमदाबाद। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सर्वाइकल पेन की एक्सरसाइज। सर्वाइकल पेन मीन्स यहाँ पे पीछे गर्दन में जो पेन होता है, साइड में जो पेन होता है, उसकी एक्सरसाइज। ये पेन एकदम कॉमन पेन है, ये रेगुलर किसी को ना किसी को होता रहता है। ये पेन किसे होता है, एक तो जब कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हैं उनको हो सकता है, फिर घर पे टीवी देखने के टाइम पे जो आप गोल पिल्लो होता है उसे ले तो तभी होता है, आपका पोस्चर टीवी देखने के टाइम पे बराबर नहीं होता तो आपको सर्वाइकल पेन और बैक पेन भी हो सकता है। बैक पेन की मैंने वीडियो ऑलरेडी रखी हुई है, आप वो भी देख सकते हो। दूसरा, व्हीकल चलाने के टाइम पे सडनली जो झर्क लगता है उसमें भी आपको सर्वाइकल पेन और बैक पेन हो सकता है। अभी मैं आपको सर्वाइकल पेन की एक्सरसाइज बताऊंगा, वो एक्सरसाइज आपको किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। ये एकदम कॉमन पेन है और ये एक्सरसाइज आप कहीं पे भी कर सकते हो, ऑफिस में, बेड पे, कहीं पे भी ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको बैठे बैठे ही करना है और दूसरा इसमें आपको टाइम बहुत कम लगेगा करने में। चलो मैं आपको पहली एक्सरसाइज बताता हूँ किस तरह से करना है। पहले आपको चेयर में या कहीं पे भी इस तरह से बैठ जाना होगा, फिर गर्दन को ऊपर ले जाना है, जितना आप ऊपर ले जा सको उतना ऊपर ले जाओ, वापस नीचे लाओ, बीच में माइनर एक होल्ड रखना है, फिर वापस नीचे लाना है, वापस ऊपर ले जाओ, इस तरह से बीच में माइनर होल्ड रखना होगा आपको, ऊपर ले जाओ होल्ड, नीचे, बीच में लाओ होल्ड, ऊपर, बीच में लाओ होल्ड, नीचे, बीच में लाओ होल्ड, ऊपर। आप दोनों साइड ऊपर और नीचे जितना ले जा सकते हो उतना ले जा सकते हो। दूसरा, साइड में ले जाना है, दूसरी एक्सरसाइज के अंदर, इस जितना आप साइड में ले जा सको उतना साइड में, बीच में रखो, फिर साइड में, वापस बीच में रखो थोड़ी देर, साइड में थोड़ी देर, मीन्स एकदम माइक्रो सेकेंड, पूरा एक सेकेंड भी नहीं रखना है। जैसे आप तेजी से करते हो तो आपको ही मालूम होगा कि आपने गर्दन को रुका है। मैं आपको एक बार पूरा करके दिखाता हूं, सेम इसी तरह से ऊपर नीचे, इस तरह से यह करना है। ये आप दिन में 3 से 4 बार 10 रिपीटेशन के साथ शुरू कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज हर किसी को, जिसको भी जिस तरह से पेन है उसके हिसाब से, अपने हिसाब से वो सेट कर सकता है, अपनी बॉडी के हिसाब से सेट कर सकता है। दूसरी एक्सरसाइज है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में भी आपको बैठे बैठे ही आपका जो कान है उस साइड के कंधे को आपको इस तरह से टच करना होगा, बस जितना आप इस तरह से टच करवा सको, उसके बाद अपने हाथ से इस तरह से इसको खींचना है। इसमें ध्यान रखना है कि ये कंधा ही ऊपर नहीं होना चाहिए, इसके लिए आप यहाँ से नीचे से पकड़ लो चेयर को, फिर नीचे लग जाओ, जितना ले जा सको उतना नीचे ले जाओ, फिर छोड़ दो, फिर दूसरी साइड इसी तरह से आपको भी दूसरी साइड पकड़ लेना होगा। समझा, पकड़ नहीं सकते तो इस तरह से आप हाथ नीचे रख दो पैर के, फिर कान को जितना कंधे तक ले जा सकते हो पहले ले जाओ, फिर आराम से खींचो। इससे आपको यहाँ साइड में स्ट्रेच फील होगा, इस तरह से जितना खींच सको उतना खींचो, कंधा ऊपर नहीं हो ये संभालना है, इसको नीचे ही रखना है, फिर आराम से खींचो, फिर वापस छोड़ दो, फिर दूसरा तीसरा से रख दो साइड में, फिर आराम से, बस ये आराम से स्ट्रेचिंग करना है। ये कान पहले इस तरफ ले जाओ जितना हो सके उतना, फिर दूसरा कान। ये एक्सरसाइज आपको खुद को ही करनी है और किसी से नहीं करवानी, क्यों, क्योंकि दूसरा कोई करवाएगा तो कितना प्रेशर ज्यादा दे देगा तो आपको ऐसे ही पेन ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि मसल्स का स्ट्रेचिंग जितना आप सहन कर सकते हो उतना ही आपको करना है। दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज है वो भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। ये जिस तरह से अपने साइड में कान टच करवाए थे इस तरह से, इसी तरह से उसमें इसके अंदर दो गर्दन को इस तरह से साइड में थोड़ा करना है 45 डिग्री, इस तरह से साइड में, फिर यूं नीचे करना होगा आपको। इसमें भी यही ध्यान रखना है कि कंधा यूं ऊपर नहीं हो जाए, इसलिए आपको यहाँ से चेयर से पकड़ के रखना होगा। इसमें भी आपको ये साइड के मसल से उसका स्ट्रेचिंग मिलेगा, फिर वापस नॉर्मल कर दो, फिर से इस तरह से इसको घुमाओ दूसरी साइड, फिर जितना नीचे हो सके उतना देखो, उसके बाद आराम से नीचे खींचो, ये कंधा ऊपर ना हो उसको आपको ध्यान रखना होगा। वापस इसको नॉर्मल कर दो, फिर से साइड बीच में लाओ, फिर इस तरह से इसको घुमाओ थोड़ा सा, वापस नीचे ले जाओ, फिर आराम से इसको इस तरह से खींचना है, इस तरह से करना। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के रिपीटेशन हमेशा कम करने होते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के रिपीटेशन आपको 4 या 5 करने होंगे। ये एक्सरसाइज भी आप दिन में 4 से 5 बार कर सकते हो आपके दर्द के हिसाब से। ये एक्सरसाइज आप
गर्दन का पेन हो तभी ये कर सकते हो। इसके साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद।